अधिक रो रही है, मुझे उसे दूध पिलाना चाहिए। आए हाय, तो हमने दूध की बोतल बनाकर कमरे में रख दी है, नाज पिला देंगी ना? खा लो बेटा। नहीं अब्बू, मुझे जाना चाहिए। महक की फिक्र में ये अपनी सेहत का जरा भी ख्याल नहीं करती। नकली है वो, तो हम भी जानते हैं छिंडे साहब, लेकिन जो कोई भी वो था उसकी ये जरूरत कि हमारे बावर्ची खाने तक पहुंच जाए और हमें खबर तक न हो। आखिर वो चाहता क्या है? एक बात तो साबित हो गई, वो किसी को मारना नहीं चाहता, सिर्फ उसका मकसद सबको परेशान करना है। अब जानना यह है कि वो कौन हो सकता है। हमारे जान पहचान में तो एक रूबी ही हो सकती है जो ऐसा करेगी। नहीं, इस बार रूबी नहीं हो सकती, हमारे आदमी उस पर नजर रखे हुए। कल शाम से वो अपने घर से बाहर भी नहीं निकली और ना ही कोई उसे मिलने गया और ना ही कोई अनजान आदमी आपके घर पे आया। अगर हमारे घर कोई नहीं आया तो कोई आपका जाना पहचाना भी हो सकता है, करीब लोग भी दुश्मन होते हैं। मिर्जा साहब, जरा गौर से सोचिए, क्या आपकी जिंदगी में कोई ऐसा शख्स है जो आपके करीब है लेकिन फिर भी आपका दुश्मन है? मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि ऐसा हो सकता है कि जाने अनजाने में कभी आपने किसी के साथ ज़्यादती की हो। और खुशियां भी तुम मना रहे हो, तुम्हें तड़पता देखकर मुझे बहुत मजा आ रहा है नवाब। नहीं अब नहीं, ऐसा कोई नहीं, कोई नहीं।
सो जाइए ना। हेलो हीना, पहचाना? अकरम? हाँ, अकरम। Thank you.